रहा जिहड़ा रैनी काल है 1596 तो लैके 1650 तक। एक होर विचारक होया है जिहदा नाम है फ्रेडरिक नीत्शे। ये जिहड़े दोनों विचारक सीगे इन्हां ने 1843 तो लैके जिहड़ा नीत्शे का टाइम है फ्रेडरिक नीत्शे का 1900 तक इन्हां दोनों नूं असीं जिहड़ा डीकंस्ट्रक्शन दी थ्योरी है उहदा मोढ़ी मंनदे। अच्छा इन्हां दा मेन थीसिस की सीगा। हुण इन्हां दा जिहड़ा असीं काल देखिए विचारक है जो है चर्च की डोमिनेंस जो सारिया व्यवस्थावान जगिया सो जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ जोड़ा क्वेश्चन ही नहीं किया जाता सी डेकोरेटिव के टाइम के उत्ते फेडरिक नीत्शे के टाइम के उत्ते जोड़ा है जी मनुख की जी बुद्धिमता सी या मनुख की बुद्धि सी या जिन्हों असी कहने अपने रैशनल थिंकिंग ऑफ ए मैन उन्होंने जोड़ा है वो आधार से ऑब्जेक्टिव ट्रूथ इन लैंग्वेज की गल की। ये जी अगर आप रीकंस्ट्रक्शन की गल करते हैं ये लिटरेचर च और जिहड़ा है इहदा ज़्यादा यूज जिहड़ा है लिटरेचर च और आर्किटेक्चर के विच ज़्यादा होया है। तो इस करके जिहड़े ये दोनों विचारक सीगे वो स्ट्रक्चरलिज्म वास्ते ठीक है इन्हें जाने सो हम जो रीकंस्ट्रक्शन का मॉडल है जो स्ट्रक्चरलिज्म का मॉडल है वो खिलाफ आया। हम स्ट्रक्चरलिज्म की सीगा दिस इज ए परल्यूड ऑफ रीकंस्ट्रक्शन मतलब ये रीकंस्ट्रक्शन तो पहले वाली व्यवस्था थी या पहले वाला प्रल्यूड। इट इज अ साइंस दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ सिस्टम वर्क्स इन दिस विकास मनुख का जी बुद्धि है सृजना जी है। अच्छा फिर अगर असि ज रीकंस्ट्रक्शन की गल करिए अगली स्लाइड से आने हाँ अगली स्लाइड है ओरिजिनल ऑफ रीकंस्ट्रक्शन। उन्हें मैं तुम्हें दस चुका है पहले भी दस चुका है कि कनेडा उत्ते जिहड़ा प्रमुख एक थिंकर सीगा जिहड़ा पोस्ट मॉडर्न थिंकर सीगा उहदा नाम सीगा मार्टिन हिंडीगर। ते मार्टिन हिंडीगर ने जिहड़ा सीगा अपनियां राइटिंग दे विच जिहड़ा है उहने जिहड़ा डीकंस्ट्रक्शन मॉडल सीगा या डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी सीगी उहदी उहदे विकास या उहदी उत्पत्ति दे विच अपना जिहड़ा कॉन्सेप्चुअल जिहड़ा है योगदान जिहड़ा है। अच्छा हम मार्टिन हिंडीगर ने किताब लिखी जिहदा नाम सीगा डीस्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रीवियस नॉटिकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ सच्चाई। हुण जे ठीक है जी ए दे ओरिजिन दी आपां गल कर ली। अच्छा हुण बाइनरी ऑपोजिशन हुण पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और जिहड़ा डीकंस्ट्रक्शन हुंदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁੱਡ ਦਾ ਈਵਲ ਮਾਈਂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਡੀ ਸਪੀਚ ਰਾਈਟਿੰਗ ਯੂਜੂਲੀ ਵਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਤਾਂ
जेड़ा ऑब्जेक्टिव तो है उन क्वेश्चन का और लैंग्वेज में भी जेड़े वाक्वा एक्सप्रेशंस है उदे जेड़े वाक्वा के शब्दों का प्रयोग होया है उना शब्दों के प्रयोग दे की अर्थ निकलते हैं या उदे विच की सिंबलिज्म है या उदे विच केड़ी सिंबली यूज हुई है या उदे विच केड़ी-केड़ी चीजें यूज हुई हैं उदे बारे जेड़ा है ये सारी चीज जेड़ी ठीक है जी। हुण इत्थे लास्ट दे विच आपां इहनूं कंक्लूड करांगे कि डीकंस्ट्रक्शनिज्म इज अ प्रोसेस ऑफ रिवर्सिंग हायरार्की इट अनकवर द होल प्रोसेस ऑफ हायरार्की मतलब डीकंस्ट्रक्शनिज्म जरा है जो अभी उत्तर आधुनिकतावादी रणनीति उसी मुख्य विशेषता की मतलब एक चीज को तोड़ के नई चीज बनाना। अगर इन्हें मैं थोड़ा जरा पोस्ट मॉडर्निस्ट थॉट ना जोड़ा तो पोस्ट मॉडर्निस्ट थॉट ना जोड़ना अर्थ यह है कि जड़ी व्यवस्था या जड़ियां प्रवृत्तियां आधुनिकतावाद के बीच सीमियां ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਪ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਰੂਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਪ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਠੀਕ ਹੈ। तो ए सीधा जीव रेटर का जरा सीधा कॉन्सेप्ट ठीक है जी। हम इधर विच अभी एक दो चीजें हम कर दिए हैं उसके बाद मैं अपना लेक्चर जो है खत्म करूंगा। जितना मैं कल पर ना लोटाइड भी कर चुकी थी जी उन्हें मेटा नैरेटिव भी कर चुकी थी इधर अपना लेक्चर कल जो है खत्म होने वाला था। हूँ मेटा नैरेटिव की होगा या अपनी दोनों लेखक ने मेटा नैरेटिव का अर्थ दसा मेटा नैरेटिव का अर्थ मैं दसिया कहानियां जो पर्टिकुलर ज्ञान की गल करते हैं तो नॉलेज की गल करते हैं उसके शब्द का प्रयोग जो है मेटा नैरेटिव का जो होता है एंड फॉर क्लेमिंग पर्टिकुलर मेटा नैरेटिव के थ्रू जो है अभी किसी भी नॉलेज को जो है क्लेम जो है वो कर सकते हैं ठीक है। अच्छा हूँ एक होर ये जो है पहले कंसेप्ट है गया कि पोस्ट मॉडर्निज्म ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के बीच एजुकेशन का या ए जड़ी वैश्वीकरण व्यवस्था है उसके बीच हूँ अगर अभी गल करिए फॉर एग्जाम्पल आजकल जी अर्थव्यवस्था की गल करिए पूंजीवादी परिभाषा भी जी है परिभाषा पूंजीवाद की वो नहीं गई जो पहले थी हम इतने पहले ही पहले वाला जो कैपिटलिज्म नाम सुनिया
पहले वाला जो कैपिटलिज्म था उसको फोर्डिस्ट कैपिटलिज्म का नाम था, फोर्डिस्ट पूंजीवाद कहते थे। उन्होंने जिहड़ा पूंजीवादी व्यवस्था कर रही है उसको अभी उत्तर आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं, जिहदे विच की है, जिहदे विच इन विच सर्विसेज मीडिया, ध्यान सुनो, इन विच मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी आर ऑफर्ड टू कंज्यूमर इन एवर एक्सपेंडिंग ग्लोबल मार्केट। हुन जिहड़ा कैपिटलिज्म का कंसैप्ट है टोटली जिहड़ा चेंज हो गया है, जिहड़े पूंजीवादी व्यवस्था दे विच जिहड़े लोग है उन्हां नूं असीं इक तरह दा जिहड़ा उपभोगी मंनदे हां, ओह जिहड़े ओह किद्दां इन्हां चीज़ां दा कर रहे हैं और ग्लोबल मार्केट के बीच जो है टेक्नोलॉजी ऑफर की नवीन नवीन टेक्नोलॉजी मतलब मैं तो मुझे एक बड़ी बड़ी सिंपल एग्जांपल ना समझा सकता है अभी जैसे मामू ना जाएंगे कोई 5G 5G टेक्नोलॉजी या 5G टेक्नोलॉजी वाले फोन आने तो उसी फोन से भी जो है सारा कुछ चलाएगा कर सकते हैं। तो ग्लोबलाइज अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करिए या विश्वीकरण की बात करेंगे तो ग्लोबलाइज वर्ल्ड के विच उत्तर अफ्रीका वर्ल्ड के विच जरा कैपिटलिज्म पूंजी वाला है उसे अर्थ में मैंने भी जिहड़ा है। फिर दूसरी गल पोस्ट मॉडर्निज्म ने जिहड़ा नेशन स्टेट का कंसेप्ट था उन्होंने भी रिजेक्ट किया, उन्होंने मानिया नहीं था नेशन स्टेट ने जो कंसेप्ट था वो रिजेक्ट किया। इतने एक विचारक है वो ये कह रहा है पोस्ट मॉडर्निज्म आर्गुस नेशन स्टेट का लूजिंग इंपॉर्टेंस इज नॉट दैट दे आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंडिपेंडेंट अलोंग विद द रियलिटी ऑफ इमैनुअल वाल्टर आर्गुस दैट हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सिस्टम हैज बीन ट्रेंड टुवर्ड कल्चरल हेटेरोजेनिटी एंड कल्चरल मतलब कि अभी जिहड़ा हैगा है तुसीं इह कह रहे हो नेशन स्टेट का जो कंसेप्ट है उन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म आने का पता लग गया या उन्हें भी अपनी इंपॉर्टेंस की प्रूव कर दी जेदे करके नवा जो है जो कंसेप्ट मैं थोड़ा पहले पढ़ाया मल्टीकल्चरलिज्म मल्टीकल्चरलिज्म या कल्चरल जो होना है हेटरोजेनिटी का जो कंसेप्ट है हेटरोजेनिटी मतलब होती है मतलब कि हेटरोजेनियस कल्चर होगा जिसे डिफरेंट कल्चर अलग अलग कल्चर के लोग हैं ठीक है जी। और होमोनाइज कल्चरल होमोनाइजेशन का मतलब है कि जो वक्त वक्त जो कल्चर के लोग हैं मिलजुल के रहते हैं उन्होंने आप कल्चरल होमोनाइजेशन जो है क्या वो कहते हैं। सो ए सिगा पोस्ट मॉडर्निज्म जो है व्यक्तिकरण के युग में उसने कितना चीजों को मिला है। अच्छा जी हूँ ये आपा एक और चीज जी है डिस्कस करनी है और एक डरेडा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है और पोस्ट मॉडर्निज्म का पूरा आपस में की रिलेशन डरेडा आर्गुस दैट एवरी टेक्स्ट इज अनडिसाइडेबल इन द सेंस दैट इट इज अ कंटेस्टेड टेरेन व्हाटएवर अपीयर्स टू बी सेम ऑन द सर्फेस कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड विदाउट द रेफरेंस कंटेनमेंट ठीक है। हम जिहड़ा पोस्ट मॉडर्निज्म है प्रिविलेजेस इंटर डिटरमिनेसी एंड इंस्टेड ऑफ फाइनलिज्म ठीक है। जिहड़ा पोस्ट मॉडर्निज्म है वो डीकंस्ट्रक्शनिज्म अते फाउंडलिज्म नूं विखे जिहड़ा है ਜਿਹੜਾ ਫੋਰ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਊਂਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਕਲੂਡਿੰਗ ਲੈਕਚਰ ਹੈ।